बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। यानी जब भी हम लर्निंग का चैप्टर पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, तो लर्निंग के चैप्टर में आपका वास्ता पड़ता है क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ। यानी जब हम देखते हैं कि लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं, तो आप देखते हैं कि लर्निंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग। और जब आप क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़नी शुरू करते हैं, तो फिर आपका वास्ता दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स से पड़ता है, जिसको कहते हैं कंडीशनिंग, कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, सॉरी कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस। रिस्पॉन्स भी होता है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। तो क्या होता है कंडीशन स्टिमुलस और क्या होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, और इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस को। अनकंडीशनड स्टिमुलस, जब भी आपके माइंड में अनकंडीशनड की बात आए, तो समझ लें कि ये कुदरती स्टिमुलस की बात हो रही है। मसलन जिस तरह इलिसिट रिस्पॉन्स नेचुरली, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जो कंडीशनड स्टिमुलस होगा वो रिस्पॉन्स को नेचुरली इलिसिट करेगा, पैदा करेगा। यानी आपको रिस्पॉन्स सीखना नहीं पड़ेगा उस, क्योंकि हमेशा याद रखिए स्टिमुलस के रिजल्ट में कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है। जिस तरह आप आवाज़ सुनते हैं, तो उसके रिजल्ट में आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। जिस तरह आपको कोई बुलाता है, मुझे कोई बुलाएगा तारिक, मैं सुनूंगा, तो ये सुनना जो है आवाज़ जो है वो स्टिमुलस है। अब मैं उसके जवाब में रिस्पॉन्स क्या करूँगा, जी बताइए क्या बात है, मतलब कोई मुझे बुलाएगा। अब कोई बुला रहा है, वो आवाज जो स्टिमुलस है, उसके नतीजे में जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो रिस्पॉन्स है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कुदरती हो, जो कुदरती तौर पर रिस्पॉन्स को पैदा करे। मसलन खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, ये कुदरती रिस्पॉन्स है। आपने सीखा तो नहीं है ना कहीं से कि जब भी आप खाना दे, तो आपने सीखा भी जब खाना आएगा तो फिर मेरे मुंह में पानी, मैं पानी ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि कुदरती अमल है कि जब भी आप खाना देखेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये एक खाना क्या है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है। अनकंडीशन का सिर्फ इतना मतलब याद रखें कि कुदरती स्टिमुलस जो कुदरती रिस्पॉन्स को क्रिएट करे, ऐसा स्टिमुलस जिसके रिस्पॉन्स को सिखाना ना पड़े, बल्कि कुदरती तौर पे जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाए। अब खाना जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है, एक कुदरती स्टिमुलस है जो देखते ही मुंह में हमारे पानी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज नेचुरल प्रोसेस आफ्टर सीइंग फूड। यानी कि जब कुत्ते ने, जब हम पेवलोव के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो जब कुत्ते ने खाना देखा उसके मुंह में पानी आ गया, तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। हमें सिखाना तो नहीं ना पड़ा कि जब खाना आएगा तो हमने कुत्ते को सिखाया तो तब उसके मुँह में पानी आ जाए, नहीं। जब भी उसने खाना देखा उसके मुँह में पानी आ गया, तो खाना क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और उसके मुंह में जो पानी आ गया वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। अब इसकी और मैं आपको मिसालें देता हूँ। व्हेन यू पुट अ बर्ड्स फीदर ऑन योर नोज यू विल स्टार्ट स्नीजिंग। जब भी आप अपने नाक में ना कोई नरम सी चीज़, जिस तरह किसी परिंदे का पर वगैरह होता है, आप वो अंदर थोड़ा सा लगाएं, साथ ही आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अब आपने सीखा तो नहीं ना हुआ कि जब कोई हल्की फुल्की या कोई नरम सी चीज़ नाक को लगाएंगे तो आपने सीखा है कि फिर आपने छींकना है, नहीं, बल्कि कुदरती अमल है वो। अब वो कुदरती अमल जो है वो क्यों, जब छींक आना एक कुदरती अमल है, इसका मतलब है छींक लाने वाला कौन था, अनकंडीशन स्टिमुलस, वो परिंदे का पर, ठीक है। क्योंकि जब उसको आपने अपने नोज के साथ टच किया, तो आपको रिस्पॉन्स के तौर पर छींकें आना शुरू हो गई। तो परिंदे का पर जो था, उसका जो आपके नोज के साथ लगाना, वो कुदरती, वो स्टिमुलस था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, ठीक है जी। उसके बाद टीयर्स, सॉरी यहाँ पर टीज लिखा गया, टीयर्स है, टीयर्स वेल अप इन योर आइज व्हेन यू कट ऑनियंस। यानी आंसू आ जाते हैं आपकी आंखों में जब आप प्याज काटते हैं। बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है। अब प्याज काटना क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, और आंसू आ जाना अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब आपने कभी सिखाया है अपने आप को कि जब मैं प्याज काटूं तो मेरी आंखों में पानी आना चाहिए, वो आपने सिखाना पड़ा हो आपको, नहीं। आप जब भी प्याज काटेंगे ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, पानी आ जाएगा। तो अब प्याज काटना क्या हुआ, पानी क्यों आया,
प्यास काटने की वजह से कुदरती ही अमल है ना, तो फिर प्यास काटना क्या हुआ, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज होती है जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स पैदा करे, ठीक है। तो अब प्यास काटना क्या हुआ, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, और उसकी वजह से पानी का आना क्या हुआ, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी कुदरती अमल है। तो जहां पर भी कुदरती रिस्पॉन्स क्रिएट हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस रिस्पॉन्स जिस वजह से क्रिएट हो रहा है वो चीज़ भी कुदरती है, यानी अनकंडीशन्ड है। तो यहाँ पर कुत्ते के मुंह में पानी आ गया खाना देखकर, तो खाना जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। उसके बाद आप अगर परिंदे का पारा आपकी को नरम कोई भी चीज़ जो है वो आपके नोज़ के साथ लगाई जाए, तो आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती हैं, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो जो नरम सी चीज़ है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। इसी तरह प्याज काटने से आपकी आंखों में पानी आ जाता है, तो प्याज जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आगे आ जाता है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस वो होता है जिसको जो रिस्पॉन्स क्रिएट करे, और रिस्पॉन्स सिखाना पड़े, खुद से क्रिएट ना हो। मसलन डॉग्स सेक्रेशन ऑफ सलाइवा इज लर्न्ड रिस्पॉन्स आफ्टर हेयरिंग अ टोन। अब आप मुझे खुद से बताया, आपने एग्जाम्पल कभी हारन बजा हो और आपके मुंह में पानी आया, नहीं आया, सिखाना पड़ेगा। कैसे सिखाना पड़ेगा वो एक अलग डिबेट है। तो जब कोई ऐसा स्टिमुलस जिसको रिस्पॉन्स, जिस पर रिस्पॉन्स करना सिखाया जाए, उसको हम कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, यानी वो कुदरती नहीं होता। मसलन उसका एक और मैं आपको, व्हेन यू योर फादर नॉक्स ऑन द डोर यू हेयर द बेल एंड इमीजिएटली पिक अप द बुक्स। बाहर जब ऐसा होता था ना छोटे होते हुए, जब हमारे बाबा दरवाज़ा नॉक करते थे बाहर से आते, तो हम फौरन से किताबें उठा लेते थे। अब दरवाज़ा नॉक करना और किताबें उठाने में कोई, अब और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दरवाज़ा नॉक करते, तो हम किताबें क्यों नहीं उठाते, तो बाबा के आने भी किताबें क्यों उठाते हैं, क्योंकि हमने ये रिस्पॉन्स लर्न किया है कि जब भी बाबा ने आना है तो आते ही उन्होंने अगर किताबें ना उठाई हुई तो डांटना है। तो इसलिए हमने जब भी नॉक हुआ तो हमने सीख लिया कि जब भी नॉक हो तो हमने फौरन से किताबें उठा लेनी है। दिस इज़ अ कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। तो बाबा का वो आना कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि उनके आने से हमने रिस्पॉन्स क्या किया, किताबें उठानी, तो किताबें उठाना जो था वो हमने सीखा था। तो वो स्टिमुलस जो अनकंडीशन हो, कुदरती हो, और उसके नतीजे में खुद ब खुद रिस्पॉन्स हो, उसको कहते हैं ऐसा स्टिमुलस जिसके नतीजे में खुद ब खुद रिस्पॉन्स हो, नेचुरल रिस्पॉन्स हो, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो, उसको हम कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस। और ऐसा स्टिमुलस जिसका जो जिसके जरिए जिसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स हो वो हमें सिखाना पड़े, दैट इज कॉल्ड कंडीशन स्टिमुलस। जिस तरह कुत्ते ने बेल पर सलाइवा खारिज करना शुरू किया, अब कुत्ता बेल पर सलाइवा का और बेल का कोई नहीं है लिंक, लेकिन हमने उसको सिखा दिया बेल पर भी सलाइवा खारिज करना, तो बेल जो थी वो कंडीशन स्टिमुलस थी, क्योंकि उस पर सलाइवा खारिज करना हमने खुद सिखाया, नेचुरल फिनोमिना नहीं था, कुदरती नहीं था। कुदरती तो सिर्फ फूड पर सलाइवा खारिज करना था, लेकिन हमने बेल पर भी सिखा दिया, लिहाजा बेल जो होगी वो कंडीशन स्टिमुलस होगी। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।